देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 1,58,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि कोविड-19 से मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर 4,531 हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 67,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कोरोना के जो मरीज हैं वो यहाँ से सामने आए हैं, 86,110 एक्टिव केसेस फिलहाल। अधिक अपडेट के लिए हमारी संवाददाता प्रीत किरण फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रीत किरण, क्या अपडेट? देखिए, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि लोग ठीक हो रहे हैं, उनका आंकड़ा भी बढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या अपडेट? देखिए, लगातार लोग ठीक हो रहे हैं, उनका आंकड़ा भी बढ़ रहा है, लेकिन आज भी करीबन पिछले 24 घंटों में 6,586 ऐसे लोग हैं जिनका टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है, यानी कि 1,58,000 से ज्यादा लोग देश भर में कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। लगातार केंद्र सरकार की ओर से हिदायत दी जा रही है, लॉकडाउन है, बावजूद इसके लगातार ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। खास तौर पे जो महानगर हैं, मुंबई और दिल्ली, यहाँ पर हॉटस्पॉट की संख्या, पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि इस बीच में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने तमाम एहतियात बरतने की बात की है, चाहे सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से एक्टिव हुआ है और केंद्र सरकार से तमाम लोगों से जवाब मांगा है पूरे मामले पे, जिस तरीके से मजदूर अपने जो है गांव की ओर जा रहे हैं उसको लेकर के, तो ये एक बड़ी बात कही जा सकती है। केंद्र सरकार की ओर से जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, लोग जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर संवेदनशील है। जी मनीषा, प्रीत किरण, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें, लगातार कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, 1,58,000 के पार ये संख्या पहुंच चुकी है।